रहमतुल्लाह ताला बरकातहू। ये सबक नंबर एक है, आपने जिसको यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं आपको कल पढ़ाया था, ये सबक नंबर एक है। अब आज पढ़ेंगे हम सबक नंबर दो। यहाँ पे दिया है सबक नंबर दो, ये पहचानने के लिए है। हालांकि जिस उधर जो था तो मतलब पूरा अली बे पे ते टे पूरा एकदम वैसे वैसे था, एकदम मतलब एकदम सीधा। यहाँ पर उसको इधर उधर कर दिया गया है ताकि अब इसको पहचानी है, ये ही ये असल है। अगर मतलब वो तो आपको याद हो जाएगा, ऐसे आप रट लेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको आप पढ़िए, देखिए मतलब इसमें आगे पीछे लिखा हुआ है, कोई भी हर्फ वहाँ है माने सेम नहीं है। मतलब देखिए ये टे है, हालांकि टे को इधर होना चाहिए, अलिफ देखिए कहाँ है, अलिफ यहाँ है, हालांकि इसको यहाँ पर होना चाहिए। तो इसमें मतलब इधर उधर दिया है बस पहचानने के लिए, आपको पहचान रहे कि नहीं पहचान रहे। तो पहचानने के लिए मैं ये सब पढ़ा रहा हूँ आपको, मतलब इसको आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। सबक नंबर दो, टे बे से पे ते खे जीम हे चे जाल दाल डाल जे अरे रे अलिफ स्वाद शीन सीन द्वाद जो तो गैन ऐन काफ फे लाम काफ नून मीम ये वाव गाफ हमजा हे जो चाशमी ई ये, या इसको भी आप हे भी कह सकते हैं। सबक नंबर तीन, ये भी वैसे ही है, सीन लाम मीम जीम रे बे आयन काफ से चे वाव काफ दाल गैन नून तो हमजा पे हे जाल ये अरे खे फे स्वाद, ये द्वाद नहीं है, देखिए स्वाद ये इसका नुकता है, डाल शीन ते टे जो हे जे ये द्वाद। तो आपको यहाँ से लेकर ये सबक नंबर एक और सबक नंबर दो, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको एकदम अच्छे से पढ़ना है, और प्लस इसको लिखना भी अपने कॉपी में, यहाँ से लेकर यहाँ तक अपने कॉपी में लिख भी लेंगे। एक मतलब पढ़ा दे रहा हूँ, देख लीजिए, टे बे से पे ते खे जीम हे चे जाल दाल डाल जे अरे रे अलिफ स्वाद शीन सीन द्वाद जो तो गैन ऐन फे काफ फे लाम काफ नून मीम बड़ी ये वाव गाफ, ये है गाफ हमजा हे यानी दुचास्मी ई ये सीन लाम मीम जीम रे बे ऐन काफ से चे वाव काफ दाल गैन नून फे नून गाफ तो हमजा पे हे जाल ये अरे खे फे स्वाद डाल शीन ते टे जो हे जे ये त्वाद। अब इसको अच्छे से एक बार देख ले और इसको लिख ले।